गोलाघाटा समाचार बटुए समस्तीपुर से रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पी के मिश्रा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बैंक ऑफ इंडिया लूट के भयर उद्भेदन, चार जाना के भैले गिरफ्तार। एक साथ तीन गो बड़ बैंक लूट कांड के कई लोग खुलासा, 11 लाख रुपया भी भैल बरामद। यूट्यूब पे बैंक लूट के वारदात के देख के करत रहन, ई गैंग के सदस्य घटना के अंजाम देत रहन। खबर का विस्तार से जानी, पुलिस के एगो बड़ सफलता हाथ लागल बा समस्तीपुर से। पुलिस समस्तीपुर में भयल तीन गो बड़ बैंक लूट कांड के उद्भेदन एक साथ कर ले बिया। यह मामला में चार गो अपराधी लोग के गिरफ्तार कर गई बा। इनका पास से 11 लाख लूट के रुपया भी बरामद कर गई बटुए। जानकारी के अनुसार विगत 7 अगस्त के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौत स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भीषण लूट के घटना के अंजाम दे रहन। एक घटना में कुल 16,76,000 रुपया के लूट भर रहे। लूट के घटना के CCTV फुटेज से अपराधी के हुलिया के पहचान करके पुलिस छानबीन शुरू कर दिलस। गिरफ्तारी के दौरान अपराधी के पास से 2 गो लोडेड पिस्टल और 1 गो लोहा के हथियार भी बरामद हो बा। यह सबके घर पर छापामारी के दौरान सबके घर से बैंक से लूटल गए रुपया के बरामदगी कर गई। रुपया में नया करेंसी नोट, बैंक के कागज, रुपया के सील बंडल भी बरामद हुई। साथे साथ इनका घर से लूट के दौरान पहनल गई कपड़ा, घड़ी, हेलमेट के भी बरामद कर गई। पूछताछ के क्रम में पुलिस टीम के समस्तीपुर में ही बैंक लूट के 2 गो घटना में भी यह गिरोह के शामिल होके के खुलासा भेल। एहमे मुफस्सिल थाना के जितवारपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ बिशनपुर स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लूट के घटना भेल रहे। रउरा सबके बताबो चली कि 3 मार्च 2021 के जितवारपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ 17 नवंबर 2020 के बिशनपुर स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यही गैंग के द्वारा लूट के घटना के अंजाम दिया गई रहे। जितवारपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लूट के घटना के दौरान अपराधी एगो मोबाइल भी लूट ले रहन। पुलिस टीम वो मोबाइल भी इनका पास से बरामद कर ले भी। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट भेल कि एगो नया गिरोह उभरत रहे जौन खाली बैंक के टारगेट करत रहे, पहचान छुपावे खातिर हेलमेट आ फेस मास्क जैसन संसाधन के इस्तेमाल करत रहे। लूट से संबंधित वीडियो ये लोग यूट्यूब पे देखत रहन। वही के अनुसार प्लान करके घटना के अंजाम देला के बाद शांति से बैठ जात रहन। बैंक लूट कांड के उद्भेदन के दौरान पुलिस के टीम 4 गो अपराधी के गिरफ्तार कर ले बिया, जेकर पहचान मुकेश सिंह के पुत्र मोनू कुमार, लक्ष्मी शाह के पुत्र सुधीर कुमार घंटी, राम खेली सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार, विपिन सिंह के पुत्र राकेश कुमार के रूप में कर गई बा। सब आरोपी उजियारपुर थाना क्षेत्र के कोरबधा पतैली गांव निवासी बतावल जाता रहा। रोरा सबके भोजपुरिया समाचार, DSP साहब के बयान भी सुनाई कि DSP साहब यह मामला पर का कहतनी, लेकिन बड़ा सवाल यह बटुए कि अपराधी सब नया रहता रहन, ये परिवार के सोचे के हो। DSP साहब के बयान देखी और शेयर करी, दबा के सब्सक्राइब करी। देख देख कर सीखा करते हैं किस प्रकार से वो करना है और उसी के अनुसार ये लूटपाट करते हैं। ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए भी बताया कि हम लोग मास्क और हेलमेट का उपयोग करते हैं, साथ ही पहचान में नहीं आने के लिए अपने गांव से दूर स्थित ब्रांच को ये टारगेट करते हैं और दूसरे प्रकार के लूट जो रोड पर होती है उससे अलग रहते हैं ताकि ये पहचान छुपा के रख सके। ये चारों पहली बार ही जेल जा रहे हैं, अभी तक ये पकड़ में नहीं आए। इनके द्वारा हर भी कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है, पूछताछ चल रहा है। इनके पास से 4 मोबाइल भी जब्त हुआ है, उन लोगों का सीडिया निकाल कर देखा जा रहा है कि किसके सजा में घटनाओं में और ये शामिल हो सकते हैं। किसी गिरोह से भी इन लोगों की साठगांठ है सब कुछ का? स्वयं का ये गिरोह तैयार किए थे, ये लड़के एक ही गाँव के हैं और वहीं से संचालित कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बैंक को टारगेट कर रहे थे।